तो गाइस हम पहुंचे थे अपना दोस्त लोग का कैंप में और कॉल किए थे तो ये लोग आ चुका है, हमको रिसीव करके लेके जा रहा है अपना रूम के अंदर। तो हम सोचे पीछे से जो है कि वीडियो बनाते हुए चलते हैं। तो इसी कैंप के अंदर ये जो होटल्स है, इसी होटल्स के अंदर हमारा दोस्त लोग रहता है, तो सोचे हम एक वीडियो बना करके आपको दिखाएं। तो देखिए ये जो है एक लाइन से बना हुआ है, ये बिल्डिंग्स है और इस बिल्डिंग्स के अंदर ये मेस हॉल है, स्टोर रूम है, बहुत सारा रूम बना हुआ है। और आगे में जो चल रहा है यही हमारा दोस्त लोग है जो इस होटल्स के अंदर रहता है। तो चूँकि कॉल किया था ये लोग तुरंत आया और बोला कि भाई चलिए आप हम लोग का रूम में, तो वहाँ पे बैठ के थोड़ा बात करेंगे। तो वाकई ये लोग का जो होटल्स है उसका खूबसूरती काफ़ी अधिक है और बहुत सारा फूल पौधा और जो साफ़ सफाई है बहुत बेहतर है। और यहाँ पे एक मस्जिद है जो ये लोग का रूम से नज़दीक में ही पड़ता है, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत भी है। तो ये मस्जिद है, देखिए ये मस्जिद के चारों तरफ खजूर का पौधा लगा है और हरा पौधा को जो है एक क्रम में डिज़ाइन करके व्यवस्थित किया गया है और काफ़ी खूबसूरत है। ऊंची मीनार है और दोनों तरफ देखिए तो बिल्डिंग्स बना है। और ये है मेन गेट, ये मस्जिद के जस्ट बाजू में एक मेन गेट है। इससे जो इस तरीके का गेट कई ठो है इस होटल्स के अंदर, इस तरीके का कई गेट है लेकिन यहाँ पे ये नज़दीकी गेट है। और ये जो है बिल्डिंग्स है, इसी बिल्डिंग्स के अंदर जो है बहुत सारा लोग रहता है, कुछ स्टोर्स वगैरह भी है। लेकिन हम अपने जो दोस्तों का रूम्स है उसको हम दिखाएंगे और उन लोगों का जो भी अंदर का बेडरूम है या वॉशरूम है, मेस हॉल है, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं और ये लोग सीढ़ियों से ऊपर चल रहा है, काफ़ी खुश है, बाय करते हुए जा रहा है। चूँकि वो लोग को मालूम है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो इसके लिए वो लोग भी बाय कर रहा है, काफ़ी खुश है चूँकि हम लोग काफ़ी दिन बाद जो है कि एक दूसरे से मिले हैं। देखिए हाँ हाँ बाय बाय, ठीक है। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से 4 मंजिल की ये इमारत है और इसी के अंदर हमें मालूम नहीं है कितने फ्लोर पर ये लोग रहता है, तो चल करके हम दिखाएँगे। हाँ हाँ तो ये लोग को पहले चलने दीजिए, उसके बाद से हम आपको जो है पीछे से दिखाते हुए हम चलते हैं ये लोग का पूरा जो है किस तरीके के व्यवस्था की मिला है यहाँ पर इस होटल्स के अंदर। और गाइस इसको होटल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर आप भी चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग करके रह सकते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है एक कैंप के जैसा ही किया गया है। लेकिन कैंप के अंदर सिर्फ किसी न किसी कंपनी का एम्प्लाइज रहता है, लेकिन यहाँ पे यदि आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग करके और आप अकेला भी इस कैंप के अंदर जितना दिन का बुकिंग कीजिएगा उतना दिन रह सकते हैं। और देखिए ये बहुत दूर दूर तक इसका मतलब ये फैला हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कुछ स्टोर रूम है, कुछ होटल्स हैं, कुछ मतलब ऐसे है। और ये है ये लोग का कॉरिडोर, देख सकते हैं बॉक्स बनाया है, बॉक्स के अंदर जो है कि ये लोग का अपना जो भी शूज है चप्पल है रखना है। और ये दोनों तरफ जो है कि रूम्स है और आगे में ये लोग चल रहा है, हम जो है कि पीछे से दिखाते हैं कि काफ़ी खूबसूरत ऐसे देखने में लग रहा है। देखिए काफ़ी यहाँ पे जो है लाइट लगा है और ये है हम रूम के अंदर आ चुके हैं। रूम के अंदर देखिए ये लोग का ये लगातार बेड लगा हुआ है। बस चला गया। तो ये देखिए वाईफाई ये लोग का फ्री मिलता है, एसी तो हर किसी को मिलता है लेकिन यहाँ पे एडिशनल एक वाईफाई फ्री है। और ये हमारा पूरा साथी लोग है, इसमें कुछ हम लोग साथ में आए थे, यहाँ से आए हैं अपने कैंप से और ये जो कुछ आदमी है ये इसी कैंप में खुद इसी बिल्डिंग्स के अंदर ये लोग रहता है। तो ये बेड है, ये लोग का बेड भी काफ़ी मोटा है, खैर ठीक है, बेड तो सोने के लिए होता है। तो देखिए ये इमरान भाई हैं और ये पीछे में ये लोग का भी कपाट है और एसी है, ऊपर में फैन भी दिया हुआ है। और उसके बाद से जो है गाइस वाईफाई ये लोग का फ्री है, चूँकि हम लोग का वाईफाई नहीं लगा है, MB अपना डलवाते हैं, नेट पैक डलवाते हैं। तो काफ़ी ये लोग का अच्छा सिस्टम है। और ये इमरान भाई हैं देखिए, हाँ हाँ और इसके बाद से फ्रेंड्स हम किसी अदर साइट में चल के हम बाकी का भी चीज़ दिखाएंगे। तो घूमने लगते
हाय हाउ आर यू अरे आओ क्या कर लो देखिए ये जो है हमारा गद्दा है हमारा बेड है सोने के लिए देखिए जंपिंग कैसा होता है जंपिंग कैसा वो भी नहीं अश्लील हो जाए तो गाइस अब हम चलते हैं कॉरिडोर से होते हुए ये लोग का वाशरूम में और ये लोग का वाशरूम दिखाते हैं तो ये लोग भी बाहर आ चुका है और ये हैं अक्रम भाई गोपालगंज के रहने वाले हैं और हम कुशीनगर के तो काफ़ी हम लोग नज़दीक के हैं एक दूसरे के नज़दीक के हैं तो ये देखिए यही हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं चूँकि इसी होटल्स के अंदर रहते हैं तो ये है इनका वाशरूम और ये बेसिन बना है और बेसिन के सामने में देखिए एक लाइन से जो है लाइट्स लगा है और बेसिन के ठीक सामने बड़े साइज़ का जो है कांच लगा है तो इसमें काफ़ी साफ मतलब यहाँ पे साफ़ सफाई दिख रहा है और ये देखिए बेसिन भी दोनों तरफ बना है और बीच में स्पेस रखा गया है ताकि आदमी काफ़ी आसानी से खड़ा होकर के दोनों तरफ मुंह करके अपना जो है ब्रश करे या जो भी करना है अच्छा तरीके से कोई दिक्कत ना हो तो काफ़ी स्पेस में जो है इलाका बेसिन लगा है और इस तरफ जो है यूरिनेट के लिए है जो है कि डिज़ाइन किया हुआ एक पत्थर लगा है और ये हमारे दोस्त हैं ठीक है तो चलिए अकरम भाई बताइए हाँ ओके तो ये देखिए ये लोग का जो है टॉयलेट्स है टॉयलेट्स भी दो तरीके का है एक है जो हम लोग देसी बोलते हैं इस तरीके का टॉयलेट जो है हमारे तरफ ट्रेन में भी लगा रहता है यानी स्टील वाला जो वॉशरूम है देसी वो है और दूसरे तरफ फ्रेंड्स देखिएगा तो इंग्लिश टॉयलेट है चलिए हम उसको भी दिखाते हैं तो ये देखिए सेम वैसे ही जैसे आपने बेसिन देखा उसी के तर्ज पे ये भी है एक तरफ ये देसी टॉयलेट है और दूसरे तरफ जो है कि यहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट है तो जिसको जैसा पसंद आए वो आदमी वैसा यूज करे यानी कि जो होटल्स है और ये एसी भी लगा है इसके अंदर तो काफ़ी कंफर्ट है अच्छा है और यहाँ पे पेशाब वगैरह करने के लिए बना है और फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर भी चलते हैं दूसरे तरफ और वहाँ चल के दिखाते हैं लेकिन ये देखिए इसके अंदर जो है ये वॉशरूम है और उसके बाद से ये पूरा लाइट्स लगा है काफ़ी पर्याप्त लाइटिंग्स का इंतज़ाम किया गया है और यूरिनेटेड एरिया है ये और उसके बाद से अब हम चलते हैं दूसरी तरफ तो ये देखिए ये है हॉल और इसके अंदर आप जो है कि बैठ करके गद्दा लगा है पूरा ये सोफ़ा और ये टीवी है तो आप सोफ़ा पे बैठ करके और यहाँ पे मेन लिफ्ट का लॉबी है यानी कि लिफ्ट से इसके अंदर आ सकते हैं तो अब हम यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं और बैठने के बाद से थोड़ा बात करेंगे तो ये काफ़ी स्पेस है शांति रहता है इसके अंदर आप चाहें तो टीवी वगैरह चालू करके बैठ के देख सकते हैं या कोई बुक्स वगैरह स्टडी कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं और ये हैं हमारे दोस्त समीम भाई जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग 18 लड़कों का एक टोली आया था तो हम लोग साथ में ही आए थे और कंपनी ने ऐसा किया कि समीम भाई और इनके साथ के कुछ और लड़कों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और हम लोगों को जो एक दूसरा हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम दिखा देंगे कि हमारा भी कैंप कैसा है तो हम जो 5 आदमी हैं बाकी के जो 5 आदमी उनको वहाँ पर ही अभी रखा है तो समीम भाई काफ़ी लकी आदमी है क्योंकि इन्हें जो है कि 5-स्टार होटल में रखा हुआ है ये लोग बहुत यहाँ पे ऐसे आराम से रहते हैं क्योंकि दिक्कत हम लोग को भी वहाँ पे नहीं है लेकिन इस तरीके का लुक नहीं है तो दोस्तों अभी हम लेंगे अलविदा और इसी तरह का वीडियो आप देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।